सात बज चुके हैं, कार्यक्रम शुरू हो गया है। शुरू होते ही एक सवाल सीए का विरोध करने वालों से। पड़ गई दिल को ठंडक, मिल गई तसल्ली, मिल गया दिल को आराम। नमस्कार, मैं काविंद्र चौहान हूं और कार्यक्रम का नाम है सत्ता का संग्राम। दर्शकों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से जो लोग पीड़ित थे धार्मिक रूप से, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको भारत में लाने की कोशिश थी कि आइए अपने हिंदुस्तान में आइए। लेकिन ये सुनते ही कुछ लोगों के मन में बड़ी हलचल हुई, बड़ा परेशान हो गए, बड़ी घबराहट होने लगी। ये वही लोग हैं जो रोहिंग्या मुसलमान को भारत में लाने के लिए कालीन बिछाते हैं, यहां पर पलके बिछाकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं। लेकिन दर्शकों, जब हिंदुओं को वापस लाने की बात की गई, जब सिखों को वापस लाने की बात की गई, तब इनकी परेशानियां बढ़ गई। परेशानियां इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने सड़कों पर दंगे किए, राइट्स किए, पुलिस के खिलाफ सामने खड़े हो गए, बंदूक तान दी कि नहीं, हिंदुओं को वापस मत लाइए, हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दीजिए। पाकिस्तान में आए दिन तस्वीरें देखते हैं कि मंदिरों को लूटा जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है। और बांग्लादेश कहा जाता है कि इस्लामिक कट्टरपंथ का देश नहीं है। लेकिन दर्शकों, मुझे बताने में बेहद शर्म आ रही है कि भारत इतना बड़ा मुल्क होते हुए, हिंदुओं का इकलौता मुल्क होते हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश में महाअष्टमी के दिन महापाप हुआ, दुर्गा मां के पंडाल में मूर्तियों को तोड़ा गया, उनको तोड़कर गंगा जी में फेंका गया, नदियों में बहा दिया गया, लेकिन हम चुप रहे। दर्शकों, इस्कॉन टेंपल पर हमला हुआ, लेकिन हम चुप, कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। लेकिन उनके एजेंडे को सूट नहीं करता, ये हमारे मतलब की बात नहीं होनी चाहिए। अब जागने का वक्त, क्योंकि हिंदुओं को जिस हिसाब से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस हिसाब से उनका कत्लेआम किया जा रहा है, जिस हिसाब से हमारे मंदिरों की बेअदबी की जा रही है, अब शांत बैठने का वक्त नहीं है। सीए का विरोध करने वाले आज बहुत खुश हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, दे आर सो हैप्पी एंड टॉकिंग टू ईच अदर कि देखो, जो हम चाहते थे वो हो रहा है, दुनिया भर में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और इनको भारत में नहीं लाने देंगे, इनको सुरक्षित नहीं रहने देंगे। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान अगर आएंगे तो उनके लिए स्वागत सत्कार होगा, उनके लिए कॉलोनियां बनेंगी, बिजली व्यवस्था होगी, सड़कें स्थायी होंगी, टेंट हटवाकर पक्के मकान बनेंगे, उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, नाश्ता परोसा जाएगा, उनके लिए लंच का इंतजाम होगा और रात्रि भोज भी करवाया जाएगा। लेकिन अगर हिंदू हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो फिर कहां जाएंगे? और अगर यहां नहीं आएंगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा। फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो यही है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कवायद कब रुकेगी? फिलहाल के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के तमाम दावों के बाद भी देश में हिंदू मंदिरों पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। दुर्गा मंदिरों में तोड़फोड़ के कुछ घंटे बाद ही नोआखाली इलाके में करीब 200 मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया। कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। इस्कॉन ने एक बयान जारी कर बताया है कि पार्थ का शव मंदिर के पास तालाब में पाया गया। देश के नोआखली जिले में शुक्रवार को भीड़ ने कथित तौर पर इस्कॉन मंदिर पर हमला किया और मंदिर में जमकर उत्पात मचाया। इस्कॉन समुदाय ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
इस्कॉन समुदाय ने बताया कि इस हमले में उनके एक सदस्य की मौत भी हुई है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब गुरुवार को बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान कुछ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव पसरा हुआ है। इस्कॉन समुदाय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया, बहुत ही दुख के साथ हम इस्कॉन सदस्य पार्थ दास की मौत की खबर साझा कर रहे हैं। उन्हें कल 200 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। उनका शव मंदिर के बगल में एक तालाब में मिला है। इस्कॉन समुदाय ने आगे लिखा कि हम बांग्लादेश सरकार से मांग करते हैं कि वह इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करे। इस्कॉन ने एक अन्य ट्वीट में कहा, इस्कॉन मंदिर और भक्तों पर आज नोआखली में भीड़ ने हमला किया। मंदिर को काफी नुकसान हुआ है और एक भक्त की हालत गंभीर बनी हुई है। हम बांग्लादेश सरकार से सभी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को सजा देने की गुजारिश करते हैं। बता दें, मंदिर पर कथित हमला तब हुआ है जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में हमला करने वालों को पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरों के बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में दुर्गा पूजा समारोह को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने देश भर में अर्धसैनिक बलों और पुलिस की टुकड़ियों को भी तैनात किया है। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि हमलों और झड़पों के बाद चांदपुर, कॉक्स बाजार, बंदरबंद, सिलहट, चटगांव और गाजीपुर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बांग्लादेश सरकार ने देश के हिंदू समुदाय को बेहतर सुरक्षा का आश्वासन दिया है, लेकिन आज की बहस में हम सवाल उठा रहे हैं कि CA और NRC का विरोध करने वाले लोगों को आज इसका जवाब मिल चुका होगा कि किस तरह से दूसरे देशों में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की बढ़ती घटनाओं से अब सब चिंतित हैं, लेकिन NRC का विरोध करते लोग, CA का विरोध करते लोग आज क्यों शांत हैं? आज क्यों सबके मुंह में चुप्पी समाई है? आज वो लोग कहाँ छिप गए हैं जो कल तक CA के विरोध में सड़कों पर नजर आते थे, जब दूसरे देशों में, बाहर के मुल्कों पे लगातार हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें आना आम हो चुकी हैं, हिंदुओं पर हमले होना आम हो चुके हैं, तो क्यों ना भारत सरकार जल्द से जल्द CA को इम्प्लीमेंट करे, CAA को अमल में लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। Viewers, this is not a joke. We are debating this evening. Viewers, this is a serious issue. And we should debate. दर्शकों, बांग्लादेश में पहले दुर्गा पंडाल में दुर्गा माँ की मूर्तियों को खंडित किया गया, उनको तोड़ा गया, नदियों में बहाया गया, हिंदुओं पर हमला किया गया, 3 लोगों की मौत हुई, 150 परिवारों के घर पर हमला हुआ और 70 लोग घायल हुए। उसके अगले ही दिन इस्कॉन टेंपल पर हमला हुआ, वहां के सदस्य पार्थो दास को मार दिया और हम सब शांति से ये सब देखेंगे क्योंकि हम लोग सेक्युलर, इसलिए देखेंगे क्योंकि हम लोग एक बैज पहनते हैं जिस पर लिखा है टू बी सेक्युलर। लेकिन हमारे ही साथ के हिंदू भाइयों पर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा, हमको रुकना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, लेकिन क्यों और कब तक, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, संदीप दुबे साहब हैं, प्रवक्ता हैं BJP से, चंद्रमोहन शर्मा साहब हैं, नेता कांग्रेस से हैं, शाहबुद्दीन सैफी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, पिंकी चौधरी साहब हैं, हिंदू संगठन से हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्ता का संग्राम में। तो आज जो चर्चा का विषय है वो सीधा है, स्पष्ट है और बहुत साफ है।
चर्चा किस विषय पर हो रही है उसको एक और बार क्लैरिफाई कर देता हूं आप सभी के लिए, एक बार फिर आपके सामने रख देता हूं। चर्चा हम आज कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ की जा रही है, तो ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, इसी को लेकर चर्चा है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप दुबे साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, चंद्रमोहन शर्मा साहब हैं, नेता हैं कांग्रेस के, शाहबुद्दीन सैफी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, पिंकी चौधरी हैं साहब जो कि हिंदू संगठन से ताल्लुक रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सत्ता का संग्राम में। पिंकी चौधरी साहब, सबसे पहले आप ही पर आना चाहूंगा, ठीक है, सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाहूंगा, धीरे धीरे करके एक एक करके सबसे बात करेंगे, फिर डिबेट को खोल देंगे, ओपन फॉर ऑल कर देंगे, ठीक है। पिंकी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि सीए का विरोध करने वाले आज कहां छिप कर बैठे हैं? आज हिंदू पर बात है ना, आज हिंदू पर बात है, और पूरे विश्व में अगर कहीं भी हिंदू प्रताड़ित होता है, मंदिर तोड़ा जाता है या हिंदू को मारा जाता है, जिस तरीके से आप ये देखिए भीड़ इकट्ठा होकर के किस तरीके से मारा, आज कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर किसी मैं स्पष्ट कह देता हूँ, अगर किसी मुसलमान पर कोई दिक्कत आती है तो पूरे विश्व के सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं और सीधा कहते हैं कि इस्लाम खतरे में। ये जो दोहरी मानसिकता है ना, और कोई भी हिंदू के साथ मैं खड़ा नहीं खड़ा हूं ना, यही इस चीज को कह रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और पूजा नहीं की जा रही है। मैं पिंकी चौधरी साहब ट्विटर पर देख रहा था, ये मुद्दा जब ट्रेंड कर रहा था तो कुछ लोग इस मुद्दे को काउंटर करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में भी माइनॉरिटी पर इसी तरीके से हमले किए जाते हैं और वो आप लोग करते हैं हिंदू संगठन वाले। आप ये पूछ सकते हैं किसी से भी कि हमने भीड़ में जाकर के कौन सी मस्जिद तोड़ी, कौन सा मदरसा तोड़ा, हमने किस मुसलमान को मार दिया जान से, भीड़ के साथ जाकर के किस मुसलमान के घर पे हमने हमला किया, एक उदाहरण बताओ। और मैं मुसलमानों ने जो हमने किए उनके घर तोड़े गए, घरों को फूंका गया और पूरा का पूरा, मतलब आप ये मानिए कि मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा कितनी घृणित घटनाएं इन्होंने की है। अगर एक भी हिंदू ने किया तो हम जो चाहे आप वो हम लोग तैयार हैं। ठीक है। संदीप दुबे साहब के पास आऊंगा। संदीप दुबे साहब, ठीक है, ये किसी का फोन शायद खुला हुआ है, उसके फोन से आवाज आ रही है, ठीक है, संदीप दुबे साहब के पास आऊंगा। संदीप दुबे जी, ये बताइए, बीजेपी ने सीए का मुद्दा तो दिखाया, सबको बताया, सब कुछ किया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सके, इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर पाए, हिंदुओं की स्थिति तो वही है। देश में आज लागू है और सरकारें उस कानून के अंतर्गत काम कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आवाज आ रही है संदीप दुबे साहब, बहुत कम आ रही है, आवाज कम आ रही है आपकी, बहुत कम आवाज आ रही है जी। हाँ अब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बात ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, बांग्लादेश की जो आजादी के हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया 1971 में, और हिंदुओं के साथ जो आ रही संदीप जी बोलिए आप, आ रही हिंदुओं के साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि हिंदू जो है कभी भाग्यवादी नहीं रहा, भाग्यवादी नहीं रहा और कभी भी आतंकवादी नहीं रहा, वो हिंदुओं ने पुरुषार्थवाद और मानवतावाद अध्यात्मवाद को अपनाया, इसका नतीजा ये रहा कि हिंदू संप्रदाय जहाँ जहाँ भी है वो सुख शांति के लिए काम करता और सोचता है कि वो एक व्यक्ति नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। बांग्लादेश में भी हिंदू समुदाय है, पाकिस्तान में भी हिंदू समुदाय, मुझे कुछ साल पहले और देशों में जाने का अवसर मिला, लेकिन हम ऐसा मानते हैं हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, हमारे से उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव लगाव रहा है और हमसे वो निकले हुए लोग हैं। आजकल क्या है कि जो राजनीति है वो राजनीति एक नफरत पे आधारित राजनीति हो गई है, व्यक्ति व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता, एक धर्म दूसरे धर्म के सामने ऐसे आ जाते हैं जैसे वो एक दूसरे का ही नुकसान करने में लग जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं को कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई धर्म को धारण करने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन हिंदू इसमें बार बार इसलिए प्रताड़ित होता है कि कुछ
इस्लामिक मानसिकता जो है उसको ऐसे कहूंगा उसको समझने की जरूरत है कि हमें लगता है कि हम कुछ मुस्लिम देश जो है उनको लगता है कि हमने बहुत सालों तक हिंदुओं पे अपना राज किया है और ये जो राज है आगे भी कायम रहना चाहिए, हिंदुओं ने हमसे छीन रखा है। इस तरह की जो मानसिकता बोई जा रही है मुस्लिम समाज के नेताओं द्वारा, ये एक आतंक है। मुझे लगता है इसको जितनी जल्द वो लोग समेट लेंगे, जितनी जल्द इस पे चिंतन करेंगे, इस तरह की घटनाएं तभी ही रुक सकती है, क्योंकि ऐसी घटनाओं में सरकार तक शामिल है। भारत जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं है, यहाँ सब लोग अच्छा काम करते हैं और यहाँ पे तो ये है कि सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सबको मिलके बेहतर काम कर रहे हैं। अब कोई अपनी अपनी समाज की चिंता कर रहा है तो उसको सैल्यूट करने के काबिल है, वो चाहे मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपने परिवार को ठीक कर ले, अपने समाज को ठीक कर ले तो एक बेहतर राष्ट्र बनेगा। तो मैं तो सैल्यूट सबको करता हूँ कि जो लोग अपने समाज के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और कमियों को दूर करके अपने समाज को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं हो रहा, वो चाहे बांग्लादेश चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, और भी कंट्रीज है, वहाँ क्या हो रहा है कि जब से याराना पूंजीवाद आया 1991 से, उसके बाद ये छोटे देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा दूसरे बड़े देशों से ये कर्जा लेके बैठे हुए हैं और बड़े देश इनको आतंकवादी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझने को तैयार है। आज दिक्कत है बांग्लादेश के अंदर कि वो वहाँ जो हिंदू है, वो हिंदू हमारे अपने ही लोग हैं, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में, वहाँ की बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में अपनी उनकी भूमिका रही है, उनको सर्वसम्मान, मैं तो सिर्फ कहूंगा उनको आप अल्पसंख्यक मत समझिए, उनको आप उस देश का नागरिक समझिए, वो बेहतर ढंग से उस देश में रहे, उनको जीने का अधिकार है। और मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हिंदुओं के साथ इस तरह की बर्बरता कोई भी विश्व समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा, विश्व के कोई भी हिंदू समुदाय। ठीक है, शाहबुद्दीन सैफी साहब आप सुन रहे थे, संदीप दुबे साहब थे, प्रवक्ता बीजेपी के। ठीक है शाहबुद्दीन सैफी साहब, ये बताइएगा अब आपको ठंडक मिल गई, तसल्ली मिली है? अब सीए के खिलाफ तो काफी तेजी से विरोध में थे आप, अब खुशी है आपको? ठीक है, सवाल सुनते ही चले गए हैं शाहबुद्दीन सैफी साहब। ठीक है, पिंकी चौधरी साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे जी की आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, शाहबुद्दीन सैफी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहबुद्दीन सैफी साहब, मैं ये कह रहा था आपसे कि अब आपको तसल्ली मिल गई है, अब आपको आराम मिल गया है। सीए का विरोध आप बढ़ चढ़ कर रहे थे, सीए के खिलाफ आप सड़कों पर थे, आपने खूब हंगामा किया, आज देख रहे हैं ना क्या हाल है हिंदुओं का। जी शाहबुद्दीन साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से शायद आवाज नहीं मिल पा रही है या आवाज आ नहीं पा रही है। ठीक है, पिंकी चौधरी साहब के पास चलते हैं। पिंकी चौधरी साहब, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांग्लादेश की जब बात करते हैं तो बांग्लादेश में कहा जाता है कि इतना ज्यादा कट्टरपंथ नहीं है जैसा बाकी जो मुल्क है उनमें देखा जाता है, उतना ज्यादा कट्टरपंथ नहीं है। लेकिन हालिया दिनों में ये जो एक्टिविटीज जो बड़ी हैं बांग्लादेश में, क्योंकि एक के बाद एक हुई हैं, इससे पहले हमने देखा कि दुर्गा पंडाल में किस तरीके से हमला किया गया और अब ये इस्कॉन टेम्पल पर हमला, तो ये कहां से आ रहा है, ये कौन सी जो मनोस्थिति है, कहां से ये निकलकर चीजें सामने आ रही है बांग्लादेश में? देखिए, पहले तो मैं ये कह देता हूं, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसी कट्टरता नहीं है, जहां भी इस्लाम भरा वहां इतनी कट्टरता क्यों नहीं बढ़ी, आप ये बताइए क्या कहा नहीं? वहां कितने प्रतिशत हिंदू थे बांग्लादेश में, आज कितने हैं? इनकी कट्टरता अलग एक बात है, वो केवल और केवल पूरी धरती पर इस्लाम फैला देना चाहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। आप ये समझो कि कौन कट्टर है कौन नहीं है, कि बांग्लादेश में जो है, मैं कह रहा हूं जहां भी इस्लाम बढ़ा, जहां भी जिहादी बढ़े, जहां आतंकवादी बढ़े, वहां से हिंदू को पलायन करना पड़ा। ये स्थिति आज हमारे हिंदुस्तान की भी है। आप पहले तो ये समझिए, ये जो हिंसा हुई है, ये जो मंदिर को तोड़ा गया है और जिस तरीके से लोगों को मारा गया है, ये कारण क्या है? ये कारण ये है, जितने भी जिहादी हैं, क्योंकि तो इनकी कुरान बताती है भाई, जिसे ये अपना पवित्र ग्रंथ कहते हैं, ये इनकी कुरान कहती है
जुम्मे नहीं, के नहीं, दिन देखिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो है वो इस तरीके की चीजों को, आपको नहीं हिंसा करनी कोई भी धार्मिक करनी ग्रंथ जगह की चीजों को इजाजत नहीं देता, उस पर नहीं जाएंगे। मैं बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था। मेरी बात आप समझिए, पूरा देखिए आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, पहले आप ये समझिए, कल शुक्रवार था, कल इनकी जुम्मे की जो नमाज थी उसके बाद ये लोग हिंसा करते ही करते थे, और इस्कॉन मंदिर नहीं तोड़ा गया है वहां, ऐसे जहां भी हिंदू ने मूर्तियां बनाई थी, पूजा की थी, वहीं पर सभी मस्जिद से निकलकर सबने हिंसा की है। ये एक जगह की घटना नहीं है। और ये जो सैफी साहब जो बैठे थे और जो भाग गए हैं, ये अपना चेहरा किस तरीके से आईने में देखेंगे? ठीक है, ठीक है संदीप दुबे साहब के पास चलूंगा। संदीप दुबे साहब, ठीक है, ठीक है, पिंकी चौधरी साहब आपकी आवाज बात मुझे मिल गई। संदीप दुबे साहब मैं ये जानना चाहता था कि ठीक है सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, क्या शेख हसीना से, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से किसी तरीके की बातचीत की गई है, कोई डायलॉग किया गया है? देखिए ऑलरेडी हमारे प्रतिनिधिमंडल वहां पे हैं और उस पक्ष भी रखा गया है। इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, एक बार होता है तो समझ में आता है, वो बार बार हो रही है और दोहराई जा रही है। वही मैं जानना चाहता था संदीप दुबे साहब, कराची में और ढाका में क्या अंतर रह गया फिर? जैसे वहां पर हमले हो रहे हैं वैसे यहाँ पर हमले हो रहे हैं। देखिए उसके पीछे मानसिकता जिम्मेदार है और उस मानसिकता को हमें समझने की जरूरत है। हम जब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और मानवता के हित को न समझ के हम व्यक्तिगत हित को ज्यादा तवज्जो देंगे, तो आजकल की जो सरकारें हैं व्यक्तिगत तौर पर वो मुस्लिम कट्टरता को बढ़ाना चाहती है, एक धर्म विशेष की कट्टरता को बढ़ाना चाहती है। तो उनको समझना चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह की गलती हो रही है, आप आग लगा रहे हो, तो उससे आपका घर जलेगा, बचेगा नहीं। और नफरत कभी भी किसी भी विषय का समाधान नहीं, नफरत की एक सीमा है, नफरत के बाद क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है कि दोनों सरकारों को, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, हमारे देश के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं या विश्व के जितने भी मुल्क हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर वो कोई भी मुल्क विकास चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, देश की शांति उसके लिए सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि आप इतना कदम आगे चलेंगे इतना कदम पीछे हो जाएंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये समझता हूँ बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, कि हमें एक धर्म विशेष से नफरत नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग इस तरह नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, उनको ये समझने की बार बार जरूरत है कि वो भी पूर्वज, अगर देखेंगे 4-5 पीढ़ियों पहले, वो भी हिंदू ही हैं, उसके भी पूर्वज हिंदू ही थे। आप चले जाइए, अभी वो मक्का है जहाँ जाया जाता है, भारत से कोई जाए या बांग्लादेश से कोई जाए, पाकिस्तान से जाए, तो उनके नाम के आगे हिंदू ही लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। और लड़ाई झगड़ा व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, एक धर्म को धर्म से लड़ने से क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे उन्मादी जो भी लोग हैं, मैं तो कहूंगा बांग्लादेश की भी सरकार को इस पे त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, और ठीक है। वहाँ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सीए को लेकर आपने बातचीत की, आपने पेश भी किया सीए का बिल, आपने इसी के साथ क्रोनोलॉजी भी समझाई, सब कुछ रहा, लेकिन अब सीए कहाँ गया? देखिए सीए इस देश के अंदर, आपको मैं बताऊं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 11 दिसंबर को वो पास हो गया पार्लियामेंट में और वो कानून का रूप ले चुका है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो प्रोस्पेक्टिव रिलीजन है, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वहां के जितने भी हिंदू हैं या सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, हम उनको भारत में शरण देने को लेके और रखने को लेके हम पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, एक राष्ट्र हो, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते, लेकिन हम एक दूसरे की संप्रभुता में, दूसरी कंट्री के संप्रभुता में दखल नहीं दे सकते। विश्व की राजनीति में जो इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल लॉ है, उससे सब लोग बाउंड है, उससे बचे हुए। ये जो साफ साफ सिटीजन अमेंडमेंट है, हम देश के अंदर इसमें बहुत पैमाने पे काम हो रहा है, हमने डिटेंशन सेंटर बना रखा है, हम पकड़ पकड़ के जो आतंकवादी लोग हैं जो गलत तरीके से भारत में आए हुए, उनको डिटेंशन सेंटर में हम डालने का काम कर रहे हैं। अभी तक उन पे कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर ऑफिशियली कानूनी तौर पे काम हो रहा है, और हर विषय पे जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसको भी देखते हुए किसी की जो जिंदगी, मानव जीवन है, उसको ज्यादा नुकसान न पहुंचे। और भारत जो जाना जाता है जिस संप्रभु राष्ट्र के लिए, हमारी संप्रभुता बरकरार है, और उस देश हमको उम्मीद होगी। देश के अंदर जरूरी विषय को लेकर
कुछ लोग हैं उनका मानना है कि सीए नहीं होना चाहिए। मैं साफ साफ ये बता देती हूँ, भारत कोई शरण स्थली नहीं है कि आप कहीं से आ रहे हैं, बलात्कार हमारी बहन को प्रयोग करें और कहीं चले जाए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अपनी वो सुरक्षा करना जानता है, और हम पूरी तरह से इस विषय को, चाहे वो एनआरसी हो चाहे सीए हो, भारत के अंदर ठीक है। संदीप जी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ चल रहा है? इतने सारे रोहिंग्या जो है घर पर, दिल्ली में देखते हैं हम लोग, दिल्ली में बकायदा कॉलोनी सी एस्टेब्लिश कर ली गई है, दिल्ली में बकायदा खुद के छोटे छोटे से शहर बना लिए गए हैं, वो कहां से आ गए हैं? और जो हिंदुओं को लाना था वो तो वहीं के वहीं है, जो अत्याचार हो रहे थे, जिस तरीके से प्रताड़ना हो रही थी, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल ऐसी बात सुनने में भी आई, देखने को मिला, और कुछ जो राज्य की सरकारें हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने, इसमें भी 6 महीने से ज्यादा किसी को रख नहीं सकते, प्रेशर दे नहीं सकते, मिल नहीं सकते, आपकी आय दे सकती है वहां की सरकार, अलग अलग कानून है, और उस कानून के अंतर्गत वो लोग यहाँ रह नहीं सकते, उनको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, शाहबुद्दीन सैफी साहब भी जुड़ गए। शाहबुद्दीन सैफी साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि सीए के विरोध में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, सड़कों पर हंगामा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश से, जिस तरीके से हिंदुओं की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, अब समझ में आ रहा है कुछ? अब समर्थन करेंगे सीए का, एनआरसी का? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ना तो ही हमने कभी सीए का विरोध किया, समर्थन करते हैं, मतलब सीए का समर्थन करते हैं, सुनिए ना, नहीं विरोध नहीं किया तो समर्थन तो करते हैं, सुनिए एक बार सुन लीजिए, पहले मुझे बात कीजिए, नहीं सीए का विरोध नहीं किया, आपने स्पष्ट बता दिया तो बता दीजिए समर्थन करते हैं, सुन लीजिए ना, पहले पूरी आला हो ना भाई, आगे पूरी बात बताऊंगा, पूरी तो सुन लीजिए, जलेबी बनाकर आएंगे, सीधे आ जाइए ना, जलेबी मत बनाइए, सीधे आ जाइए, शुरू कर रहे हैं स्पष्टता के साथ, शुरू करेंगे आप पूरी बात सुनेंगे, मैं आपकी इमरती का जो छल्ला पड़ा हुआ उसको उतार कर तब आऊंगा, ठीक है ना, आपकी जो इमरती का छल्ला है वो तब आऊंगा, ठीक है ना, अभी मेरी बात सुनिए, अभी किसी ने मना किया किसी को नागरिकता देने के लिए? पहले भी लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आते थे और उनको नागरिकता दी जाती थी, ठीक है ना, किसी ने किसी को मना नहीं किया, और आज भी लोग आना चाहे तो आते हैं, ठीक है ना, और सुनिए सरकार अगर किसी को नहीं लेना चाहती, अभी 2020 में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि हिंदुओं को लाने की बात हो रही थी, तो आपके पेट में मरोड़ क्यों पैदा हुई जब हिंदुओं को लाने की बात हो रही थी? अरे सुन लीजिए, अरे अरे सर सुन लीजिए, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, जो हिंदुत्व का चेहरा जो दिखाते हैं वो दिखाते, गुस्सा क्यों हो रहा है इस बात को करते करते? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ मैं, आपकी बात ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक है बताइए, 1120 लोगों को नागरिकता देने की बात की, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनाना किया कि अभी हम जो पिछला कानून है उसी के नाम पे इनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी हम लोगों को, इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, अभी इसलिए नागरिकता के लिए हमारे पास विवरणा है, आप तो रोका किसने? आप यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते, और बात आप कर रहे हैं नागरिकता और बांग्लादेश की, और हिंदू और मुसलमान की बातें कर रहे हैं, अभी कल की बात है, अहमदाबाद से 30 किलोमीटर बाद महमूदाबाद पड़ता है, वहां पर एक मजार को तोड़कर उसके अंदर, आपके घर पर, आपके घर पर है, आपके फोन में बांग्लादेश की खबरें नहीं आती? बिल्कुल आती है, क्यों नहीं? बांग्लादेश की खबर पर चर्चा हो रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं को मारा जा रहा है। सुनिए, मैं अपने देश के नागरिक को जानता हूँ जो मेरे देश का नागरिक है, ठीक है, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा। मेरे देश का जो नागरिक है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अच्छा। मैं सब की बात करूंगा, मैं अपने देश की बात करूंगा। अच्छा। जब कल वो बांग्लादेश से मेरे देश में आ जाएगा तब मैं उसकी बात करूंगा। आज जो बांग्लादेश में बैठा वो मेरे देश का नहीं है। अच्छा। मेरे को उसकी वफादारी पे यकीन नहीं है, मगर जो देश में रह रहा है उसकी वफादारी पे यकीन करूंगा। जब कल उसको नागरिकता दे दी जाएगी तो मैं उसको यकीन करूंगा। मैं किसी का एतराज नहीं कर रहा हूँ, विरोध का ठीक है, रोहिंग्या जो यहाँ रहते हैं, आप मतलब आपका कहना यह है कि रोहिंग्याओं को जितनी जल्दी हो सके उनको देश से निकाला जाए? देखिए, जो गलत आदमी है, को रोहिना हो या हिंदू हो या सिख हो, रखिए ना, रोहिंग्या कोई देश का सिटीजन नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान जो है उनको जितनी जल्दी हो सके देश से निकालना चाहिए। नहीं, जो सिटीजन नहीं है उसको बाहर निकाला जाए,
जो हमारे यहाँ गंद मचा रहे हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो गंद मचा रहे हो उसको बाहर निकाला जाए, रोहिंग्याओं को बाहर निकालना चाहिए, देश के अंदर रह जाए। ये जो रोहिंग्या हमारे देश के अंदर जो जिस तरीके से एक्टिविटीज में शामिल पाए जा रहे हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए। मेरे देश का जो नागरिक नहीं है उसको बाहर निकाला जाए। रोहिंग्या शब्द यूज कीजिए, रोहिंग्या जो है हमारे देश के अंदर जो लगातार गंद मचा रहे हैं, जो तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए जा रहे हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए। रोहिंग्या मेरा सीधा मतलब है हिंदू मुसलमान सिख कोई भी, रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए लात मार के या नहीं? मेरे देश का जो नागरिक नहीं उसको बाहर निकाला जाए। रोहिंग्या शब्द कहने में पसीने क्यों आ रहे हैं? मेरे को कोई पसीने नहीं आ रहे, मैं तो इसी रोहिंग्या शब्द बोलिए, रोहिंग्या शब्द बोलिए, रोहिंग्याओं को बाहर निकाला जाना चाहिए या नहीं? किसके मैं एक तबके की बात तो करूंगा, मैं सबकी करूंगा, जो मेरे देश में गंद फैला रहे उनको बाहर करो, जो नागरिक ठीक है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, रोहिंग्या फैला रहे हैं, रोहिंग्या को बाहर कर दिया जाना चाहिए धक्के मारकर? अरे कोई भी हो, सुनिए, कोई भी नहीं, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ पार्टिकुलर के बारे में, रोहिंग्या की बात कर रहा हूँ ना, नहीं आपके आपके कहने से मैं क्यों, क्या जब अगर वो गंद मचा रहे हैं तो देश का कानून क्या कर रहा है, क्यों उठा के उनको जेल नहीं करता, क्यों उठा के बंद नहीं करता? इसको आप परेशान हो जाएंगे, तब तो आप परेशान हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, सुनिए सब खतरे में आ जाएगा, यूएन तक आप बात पहुंचा देंगे सर, मेरे पूरे देश में सड़कों पर आप टायर जलाएंगे, गाड़ियां जलाएंगे। कानून सर आप कानून का पालन कानून के तरीके से, चलिए ठीक है, मेरे को एक बात बताइए, हालांकि आप मेजोरिटी में है फिर भी आपसे बात पूछता हूँ, भारत में माइनॉरिटी जिस लिहाज से रहती है, जितने अधिकार माइनॉरिटी को भारत में मिले हुए हैं उतने ही अधिकार आप समझते हैं कि बांग्लादेश या पाकिस्तान में माइनॉरिटी को मिले हुए हैं? देखिए मैं तो देखिए अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये 5-4 देश है जो इंडिया के चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है, वहां पर आप अकेले ये मत समझना कि माइनॉरिटी पे ही जुल्म होता है, वहां पर जो छोटा तबका मुसलमान है उसके साथ भी जुल्म होता है। भारत में जिस तरीके से सारे अधिकार माइनॉरिटी को मिलते हैं, जो वो राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही आप समझते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान या अफगानिस्तान में माइनॉरिटी को राइट्स मिलते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, जो जितना देश में हमारे यहाँ पर छूट है उतनी कहीं पे नहीं है, जितना छूट नहीं है तो कुछ लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं हिंदू जो माइनॉरिटी में है वो वहां ना जाए तो फिर कहां जाए, यहां ना आए तो फिर कहां जाए? सरकार मैं नहीं ले जाऊंगा ना, आप नहीं ले जा सकते ना, उसको सरकार लाएगी, सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, इसका मतलब है आप सीए के समर्थन में, इसका मतलब है आप सीए के समर्थन में। हमारे लोग जो अभी अफगानिस्तान, नहीं नहीं आपने कहा ठीक है, आपने कहा ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को लाना चाहिए, आपने कहा सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को लाना चाहिए, मतलब आप सीए के समर्थन में, बहुत अच्छी बात है। संदीप दुबे साहब ये बताइएगा, अब आप जब साथ में बैठकर शाहबुद्दीन साहब साफ कह रहे हैं कि सीए को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लाना चाहिए, सीए के द्वारा भारतीय में हिंदुओं को लाया जाना चाहिए, तो आप क्यों कहते हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका? शाहबुद्दीन साहब तो साफ कह रहे हैं कि सीए को सीए के द्वारा लाया जाना चाहिए हिंदुओं को। देखिए जो इस देश को जानने वाला है, इस देश को समझने वाला है, जो इस राष्ट्र से प्रेम करता है और जो इस राष्ट्र को अपना माता पिता मानता है, जिस राष्ट्र ने उसे जन्म दिया है और ये गुरु बन के इसमें लोग ज्ञान पाते हैं, ऐसे राष्ट्र का कोई विरोध कैसे कर सकता है, राष्ट्र विरोधी कैसे? सीए तो राष्ट्र को समर्थन सशक्त करने वाला है, तो शाहबुद्दीन भाई की बात में अच्छा है, कम से कम इस देश में तो हम सबको गर्व है, और आपने सर राष्ट्र को प्रेम करते और राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम मैं सब चलता यार ठीक है। शाहबुद्दीन साहब यहां से लेकर रहे शाहबुद्दीन साहब की बातों को सुनिएगा संदीप जी की, चलो चाय की दुकान में मिलते हैं, देश में जन्मा है चलिए आप मुझे भाई बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, काम करना, अपने भारत को सुरक्षित रखना है, बाहर से अगर बाहरी आक्रमण करने वाले लोग भारत में आएंगे या कोई बम गिराएंगे तो ये देख के थोड़ी गिराएंगे कि यहां हिंदू बैठा है या मुस्लिम नहीं बैठा हो, लेकिन बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है पड़ोसी मुल्कों में हो रही है वो ये देख के हो रहा है कि हिंदुओं पे आक्रमण करना है, मुस्लिम भाइयों पे नहीं करना है, इस तरह का गलत संदेश जा रहा है, जो मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं, जो तीर्थ स्थलों पे आक्रमण हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जो भारत के मुसलमान भाई हैं साथी हैं जो इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो सब लोग मिलकर इसका, शाहबुद्दीन जी तो आपके साथी हैं, क्यों शाहबुद्दीन जी संदीप दुबे जी की बातें आपको सहमत है उन बातों से? कोई भी समुदाय किसी के साथ अगर अल्पसंख्यक है, हम आज यहाँ बहुसंख्यक हैं, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, तो हम सबका नैतिक धर्म है कि वो अपने को अल्पसंख्यक ना समझे, वो समान अवसर उनको संविधान ने दिया है, अब जरूरी यही है कि हम लोग मिलके एक दूसरे की ताकत बने और एक दूसरे के लिए काम करें, ताकि जो कुछ लोग हैं आपके धर्म को खराब कर रहे हैं
कट्टरपंथी बने हुए हैं, उससे नुकसान होता है दोनों अच्छे समाज के लोगों का। तो हमें लगता है कि इसका विरोध करना सबसे अच्छी बात है और हम सबको नैतिक बल मिलेगा अगर हम सब लोग मिलकर इस तरह घटना का विरोध करें और अपनी भाईचारा दिखाएं ताकि दोबारा कोई हिम्मत न जुटा पाए। ठीक है संदीप दुबे साहब तो हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं, भूदेव शर्मा साहब जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सत्ता का संग्राम में, काफी देर हुई लेकिन आप आए, दुरुस्त आए। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था भूदेव जी कि अब आपकी जो पार्टी है वो लगातार सीए का विरोध कर रही थी, अब आप देख रहे हैं विरोध करने का नतीजा क्या, किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, अभी तक तो कराची से खबरें आती थी, अब बांग्लादेश में भी वही हाल है, तो क्या पाकिस्तान क्या बांग्लादेश? देखिए अगर इसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो देखो मैं भी हमारी भी पार्टी हो चाहे मैं एक अपने निजी तौर पर भी इसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की विफलता नजर आती है, क्योंकि किसी भी देश के जो सांस्कृतिक संबंध होते हैं जो एक विदेश नीति के महत्वपूर्ण उसका आयाम होता है, आज जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन थे मतलब मोदी जी कान को अगर इधर से पकड़ेंगे तो भी सरकार का ही पकड़ेंगे, इधर से पकड़ेंगे तो भी सरकार का ही पकड़ेंगे, कहीं से भी घुमा के पकड़ेंगे सरकार का ही कान पकड़ेंगे, अपनी बात को नहीं समझ। अगर विदेश नीति में अगर कहीं पर भी फेलियर होता है तो वो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार इतने बड़े बड़े दावे करते रही है हिंदुओं को बचाने के, तो आज सरकार की आवाज क्यों नहीं निकल रही है इस तरह से? सीए का विरोध आप क्यों कर रहे थे? सीए का विरोध आप क्यों कर रहे थे? सीए का विरोध आप क्यों कर रहे थे लोगों के साथ सड़कों पर? सीए का विरोध करने का एक अलग तरीका था, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 15-15 साल से उनको रखा गया है डिटेंशन सेंटर में, और जो केवल और केवल एक किसी विशेष धर्म के नाम पे या इसके नाम पे इस तरह से किया जाता है, तो उसका विरोध था, ऐसा नहीं था कि केवल हिंदुओं के लिए विरोध था, कह रहे हैं आप थोड़ा सा सारे धर्मों को देना चाहिए, सुधार कर रहे हैं जो हमारा देश है, बताना चाहते हैं भूल चुकी है उसको सुधार कर रहे हैं। जी संदीप जी बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र को कि अच्छी बात है उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें क्यों अपने देश में लोगों को दो दो तीन तीन चश्मों से देखने की जरूरत है? हम क्यों उसको धर्म के आधार पर चश्मा देखते हैं? कांग्रेस बराबर धर्म का चश्मा पहन के क्यों इस देश को देखती है, समाज को देखती है? बुद्धे भाई देखिए, अगर ये बांग्लादेश में घटना हुई तो आपको भी सहर्ष मिलके हम सब लोग का ये नैतिक कर्तव्य है भारत के नागरिक होने के नाते कि हम लोग उसका विरोध करें, और ऐसी घटना की तुलना अपने देश के किसी घटना से अगर करेंगे और हम कहेंगे कि हाँ ये सरकार गलत है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और आपकी को क्रेडिट जाता है, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी वहां बांग्लादेश बना था, क्या हिंदुओं ने उस आजादी में बांग्लादेश की आजादी में काम नहीं किया था? क्या उनका योगदान कम है हिंदुओं का? तो ये तो समझने की जरूरत है, हम किसी की योगदान। संदीप जी की आवाज थोड़ी गूंज रही है इसलिए क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक है, संदीप जी की आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, संदीप जी माइक को अगर आप अपने पास रख सके तो। मैंने ये कहा बुद्धे भाई कि 1971 में जब भी इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की और उनकी उनको माँ दुर्गा तक की उपाधि दी गई, और बांग्लादेश का जब आंदोलन था और बांग्लादेश आजाद हुआ उसमें उसके आजादी में हिंदुओं की भी कम भूमिका नहीं थी, हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ के आजादी की लड़ाई लड़ी, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। आज जब हिंदू वहाँ बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक रूप में हैं, आज उनके साथ जिस तरह की प्रताड़ना हो रही है वो पूजा पंडाल मार देना, किसी को गला उतार देना, ये नहीं लगता कि धार्मिक उन्माद का मामला है? और धार्मिक उन्माद के मामलों में हर धर्म के लोगों को चाहिए कि इस उन्माद को रोकने में अपने लिए काम करें, स्वयं से काम करें। भूदेव जी, भूदेव जी जो है, ठीक है भूदेव जी, संदीप साहब ये कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद का मामला है, वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये इस नजर से देखा जाना चाहिए, इसको पार्टियों की नजर से मत देखिए। नहीं बिल्कुल, इसको पार्टियों की नजर से नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये कहीं पर भी किसी भी देश में इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे हमारे इंडिया में ही अगर इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे वो कोई भी लोग करते हो, सारा देश जानता है, तो ये घटनाएं घोर निंदनीय है, इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। जब सरकार कदम उठाने की बात कर रही थी, जब सरकार ने, जब अमित शाह जी ने कहा था कि जिस तरीके से हिंदू जो है इन मुल्कों में प्रताड़ित है उनको वापस लाए जाने की जरूरत है, तब आपको साथ देना चाहिए था उनका, तो आपको नहीं लगता कि आपने हिंदुओं के साथ खुद धोखा किया है? क्या बात करते हो सर आप? अब ये बताइए कि वहां हमारे मंदिर है, उनके पास उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई रहता है हिंदू, तो क्या हम हिंदुओं को लाके मंदिरों को तुड़वा दें? हम सांस्कृतिक जो हमारे महत्व की मतलब लोगों को मरवा दें, मतलब लोगों को मरवा दें, खत्म हो जाए, मतलब कांग्रेस ही कह रही है कि लोगों को मरवा दें लेकिन मंदिरों की सुरक्षा कैसे करें? अच्छा, आपको मंदिरों की सुरक्षा की ज्यादा चिंता है हिंदुओं के मरने कत्लेआम से ज्यादा? और नहीं, एनआरसी का विरोध मतलब किया गया, जवाब ये दे रहे हैं कि हिंदुओं को यहाँ ले आए ताकि मंदिर वहां पर असुरक्षित हो जाए?
नहीं अभी, तो अभी सरकार की अभी हिंदू भी असुरक्षित है, मंदिर भी असुरक्षित है। विदेश नीति आप सुनना ही नहीं चाहते, इस पर सरकार की विदेश नीति का फेलियर है कि हमारे जो सांस्कृतिक स्थान है वो आज सुरक्षित नहीं है विदेशों में। यानी कि सरकार उनसे बात करे, उन पर दबाव बनाए, तो वहाँ पे हमारे सांस्कृतिक स्थान सुरक्षित रहेंगे। यूपी के बहराइच का दरोगा वहाँ पर लगा दें, चौकी खोल दें, सुरक्षित रहेंगे। क्या करें, चौकी कैसे खोल देंगे, चौकी कैसे खोल देंगे? क्या दूसरे देश की हमारे यहाँ पे चौकी खुली हुई है? क्या यहाँ पे मंदिर हमारे यहाँ पे गिरजाघर नहीं है या चर्च नहीं है या मस्जिद नहीं है? हमारे यहाँ भी तो उनकी सुरक्षा होती है ना। तो ऐसे ही विदेश में जो भी है, पाकिस्तान में भी एक मंदिर को तोड़ा गया, उसको देख लो वापस बनवाया, आज उसके सुप्रीम कोर्ट ने आज आप खुश हो गए? नहीं सर, तो क्या करना चाहते हो आप, क्या चाहते हो फिर? तोड़ा गया उसको लेकर आपके मन में कुछ भी नहीं है? क्यों नहीं है? बनवा दिया गया सर, ताली बजा पाकिस्तान ने। बिल्कुल करते हैं, क्यों पाकिस्तान की, एक पाकिस्तान के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, ये बीजेपी का काम है, ये कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस का क्या काम है और इनका इनका कांग्रेस का क्या काम है? कवर्धा में देखा आपने, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, कांग्रेस का क्या काम? कांग्रेस का काम है इस देश को विश्व गुरु बनाना, इस देश को पूरे विश्व का नेतृत्व करना है। कांग्रेस में इस देश के युवाओं को, इस देश के किसानों को मजबूत करना, अपेक्षित रहेगा विश्व गुरु कैसे बनाएंगे आप? इस पाकिस्तान हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को अपेक्षित करके नाम पे डराना नहीं है, डराना नहीं है, सबके नाम पे डराया जाए। चलिए ठीक है, एक तरफ आप मुसलमानों की बातें करते हो, दूसरी तरफ आपकी सरकार उनके लिए जिस तरह से आपको बड़ा दर्द हो जाता है, आपको बड़ा दर्द हो गया। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश के हिंदुओं की, आपको दर्द यहां पर निकल के आ गया कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ। अभी शाहबुद्दीन साहब बाजू में ही बैठे हुए, बाजू वाली खिड़की पर, वो बता रहे हैं कि बहुत खुश है, जितने राइट्स यहां पर माइनॉरिटी को मिले हुए हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं है। अगर वो खुश है तो आपको किस बात की परेशानी है भाई? नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मैं बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, आप हिंदू हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करने लगे। अरे सभी वोट बैंक के चक्कर में आपको लगता बुरा फंसते जा रहे हैं, सबकी बात कीजिए। आज 56 इंच का सीना दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे मंदिर को तोड़ा गया, हमारे हिंदू भाइयों पर हमला किया गया और 56 इंच का सीना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप राहुल गांधी जी से कहिए कि वो ट्विटर पर लिखे कि सीए को इंप्लीमेंट करने की बहुत जल्दी जरूरत है और जितने ज्यादा हिंदुओं को भारत में लाया जा सके उतना जरूरी है। आज हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि आज विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, सरकार पर सवाल नहीं उठाए जाते। क्या करें विपक्ष का, क्या करें विपक्ष का बुबू बन जाए, सरकार से विपक्ष का प्रचार प्रसार करे, ये कैसे हो गया, विपक्ष का प्रचार प्रसार करे, आप सड़कों पर कैसे रह गया? क्या करें विपक्ष का प्रचार प्रसार करे, कैसे रह गया? आपकी स्पीच चलवा दें, क्या करें, आपसे सवाल ना किए जाए, आप इतनी बड़ी पार्टी है। देश का दुर्भाग्य यही है कि कुछ भी होता है विपक्ष से सवाल किया जाता है। अरे मोदी जी से भी सवाल करो कि बांग्लादेश में ये किस तरह से मंदिर को तोड़ा जा रहा है या हमला किया जा रहा है हिंदू भाइयों पे, उनसे जवाब लो, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये क्यों हुआ। शेख हसीना से बात करें, दबाव बनाए कहीं पर भी, आप जब हमारे करने की कोशिश करें तो आप बीच में रोड़ा बन जाए, लेकिन आपसे सवाल ना किए जाए। सर हम हमेशा ही विपक्ष कहीं पर भी, हमारे अगर भारत के बात में अगर कोई भी बात आती है तो हम साथ खड़े रहते हैं अपनी सरकार के खिलाफ। अगर अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जी का अगर स्वागत अच्छे से नहीं किया जाता है तो विपक्ष उसका भी विरोध करता है, लेकिन ये लेकिन हमारे देश की सरकार आज विपक्षों आज विदेशों में जा जा करके सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम करती है कि विपक्ष ने ये नहीं किया, विपक्ष ने वो नहीं किया, और विदेश नीति में ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं। आज ये केवल मीडिया के साथ या खुद के साथ विपक्ष को खोंचने का काम कर रहे हैं। आप राहुल गांधी जी से सवाल पूछिए, आप राहुल गांधी आ रहे हैं, आप मीडिया पर भी आ रहे हैं, बांग्लादेश में क्यों मीडिया पर भी फेंकेंगे, रुकिए आप, चलिए ठीक है, आप राहुल गांधी जी से सवाल पूछिए, मोदी जी से मत पूछना, 56 इंच का सीना कहां से आ गया। आधा घंटा लेट आएंगे तो किससे सवाल पूछूंगा, आप आधा घंटा लेट आएंगे, उनसे सवाल कर चुका हूं, जो आप मुझे सवाल बता रहे हैं वो सवाल पहले उनसे हो चुके हैं, आप लेट क्यों आ रहे हैं? पूछिए ना उनसे सवाल, आप लेट आ रहे हैं, इसी वजह से आप रह जा रहे हैं, आप पीछे रह जा रहे हैं इसी वजह से। इसमें राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं आप ये बताइए, ये सरकार का राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के लिए कर ले वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है चलिए, अब मैं शाहबुद्दीन सैफी साहब के पास आऊंगा। ठीक है शाहबुद्दीन जी, ठीक है शाहबुद्दीन जी, ठीक अभी शाहबुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन अभी शायद उनका वीडियो अटक गया है, कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। संदीप दुबे जी, अब भूदेव जी के मन को शांति देने के लिए आप उनको खैर बता दीजिए कि सरकार आखिर कर क्या रही है, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था लेकिन भूदेव जी को भी बता दीजिएगा, वरना वो उस पर ही रहेंगे। नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें पर्सनल और सीरियस रीजन से कि सरकार आखिर कर क्या रही है।
क्योंकि नहीं, मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे आप? वोट के लिए तो वहां जाके पूजा करते हो, बांग्लादेश में मंदिरों में जाते हो, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है तो वहां जाके पूजा कर ली, लेकिन वहां के मंदिरों की, वहां के हिंदुओं की या फिर जिस जो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी फिर कौन लेगा? ये भी जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। करते करते महंत बन जाए क्या वहां के? और उन्होंने सॉवरेन स्टेट पढ़ा होगा कि सॉवरेंटी है कैसे एक देश दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि भीड़ में खोया हुआ जो इंसान होता है ना वो खोज लिया जाता है, लेकिन अगर विचारों की भीड़, संदीप जी आपकी आवाज थोड़ी कम हो जाती है। संदीप जी आप सरकार में बुलंद आवाज होनी चाहिए, आपकी आवाज धीमी कैसे पड़ रही है? संदीप जी की आवाज का देखिएगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ संदीप जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है आज, हमेशा शानदार तरीके से बुलंद आवाज आती है, आप सरकार में हैं, आपकी आवाज कैसे कम हो रही है आज? आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए भीड़ में खोया हुआ इंसान जो है विचारों की इसको बोला क्या कर रहा है? कांग्रेस आज पूरी तरह से अपने विचार से भटक गई है, मकर जालों में फंसी हुई है और वो वैसी ही है जैसे मकड़ी जो है अपना खुदी बुनती है और अपने बुने हुए मकर जाल में फंस जाती है। बार बार जो हिंदू का ऐसे ही शब्द आता है कांग्रेस के लोग इतने गुस्से हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं। संदीप जी कानपुर के जो आरएसएस के मुख्यालय है कानपुर में, वहां से जाकर के हम अब प्रमाण पत्र लेने तो नहीं जाएंगे कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है? भाई सुनिए तो आपने कहा, नहीं नहीं आप ये बताइए कि वहां से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा क्या? नहीं चलिए ठीक है, किसी को प्रमाण पत्र नहीं लेना पड़ेगा। शाहबुद्दीन साहब काफी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, शाहबुद्दीन सैफी साहब के पास जाऊंगा मैं सीधे। शाहबुद्दीन जी अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप काफी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है अभी कोशिश ही कर रहे हैं। ठीक है संदीप दुबे साहब बोलिएगा, ठीक है संदीप दुबे साहब आप जवाब दीजिए, आप जो कह रहे थे कंटिन्यू करिएगा। देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस समय सभी राष्ट्रों को, जितने भी राष्ट्र, उन सबको सोचना होगा कि उनके नागरिकों का हित तभी सुरक्षित है जब सभी तरीके के लोग उसके राष्ट्र में अपने को सुरक्षित महसूस करें। आज बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे और हिंदुओं के जो मंदिर है उस पे जिस तरह से पंडालों पे आक्रमण हुआ है वो कोई भी एक सभ्य समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कांग्रेस से लेकर सारी विपक्षी पार्टी पूरे भारत की तरफ से ही कहना चाहूंगा कि भारत वैचारिक तौर पे हम राजनीतिक कोई भी विचार रखते हो इस विचार से हम सब सहमत हैं कि कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पे एक दूसरे के साथ धार्मिक उन्माद के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है। और बांग्लादेश की सरकार को जितनी जल्दी हो सके जो लोग भी इसमें शामिल है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कानून सम्मत उनके साथ कार्रवाई करी जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बांग्लादेश की जो स्थिति है हम उनको आर्थिक पक्ष अगर हम देख रहे हैं, हम उनके साथ व्यापारिक दृष्टिकोण भी रखते हैं, अगर जरूरत पड़ी बंद करना तो वो भी हम बंद करेंगे। हम हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। या भारत का कोई व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, इस देश में आस्था रखता है, वो किसी भी ऐसे विचार का समर्थन नहीं करता कि धार्मिक उन्माद फैलाई जाए भारत के अंदर हो या भारत के बाहर। ठीक है भूदेव शर्मा साहब आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर ये चीजें जारी रही, ये चीजें अगर कंटिन्यूएशन में बनी रहती हैं तो अगर आर्थिक जो एंगल है उधर भी अगर लगाम लगानी पड़ी, उधर भी अगर कुछ करना पड़ा तो वहां पर भी बड़ा फैसला लेने से नहीं चकराएंगे? वही देखिए हम भी वही सलाह दे रहे हैं सरकार को कि सरकार को कड़े से कड़े फैसला लेना चाहिए, सरकार को अपनी विदेश नीति को और मजबूत करने की जरूरत है। ये मीडिया में आकर के और इस तरह से हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। इस तरह की घटनाएं अगर घटित होती हैं तो सरकार को दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार कमजोर हो रही है, क्योंकि आप वोट के लिए तो मंदिर में जा सकते हो बांग्लादेश के में, तो इसलिए इसके लिए सरकार को पूरी जिम्मेवारी लेकर के उनसे बात करके और आगे जाना गलत बात थोड़ी ना है। बांग्लादेश अगर मंदिर में दबाव बनाना चाहिए तो ये अच्छी बात है, अगर हमारे पीएम बांग्लादेश के मंदिर में गए तो अच्छी बात होनी चाहिए भूदेव जी। नहीं अच्छी बात है लेकिन वोट के लिए मन जाइए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी ली थी सर्टिफिकेट किया गया तो फिर मोदी जी क्यों नहीं आए? मोदी जी को 56 इंच का सीना आज दिखाना चाहिए ना, शेख जीना पे दबाव बनाना चाहिए ना कि ये किस तरह से हो गया, आज ये क्यों हो गया, केवल वोट के लिए मंदिर में जाना मस्जिद में जाना ये। अच्छा तो आप संदीप जी आपकी आवाज ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं भूदेव जी प्रियंका गांधी ने जो गंगा में डुबकी लगाई थी वो वोट के लिए लगाई थी?
अरे हमारे देश में हर किसी को मंदिर मस्जिद सब जगह जाने का अधिकार है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कोई मंदिर बाहर बना हुआ है वहां जाने का अधिकार नहीं है। जब आप मंदिर गए मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है क्यों नहीं ले सकते आप? क्यों प्रधानमंत्री किसी और देश के मंदिर में नहीं जा सकते? प्रियंका गांधी जी अगर गंगा में नहा के आ गई तो कोई बड़ा अपराध कर दिया क्या? तो प्रधानमंत्री अगर बांग्लादेश के मंदिर में चले गए तो वो आपको किसी के साथ रिलेशन निकाल लेते हैं? कभी अगर चर्च में जाते हैं तो चर्च के साथ रिलेशन, गिरजाघर में जाते हैं तो वहां भी रिलेशन, मस्जिद में जाते हैं तो वहां भी रिलेशन। तो भैया प्रियंका गांधी अगर जाकर के अपन गंगा में नहा के आ रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो गिरजाघर में भी जाते हैं, मॉस्क में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अगर गंगा जी नहाती है तो क्या समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका कहने का कुल मिलाकर यह है कि प्रियंका गांधी जी मस्जिद नहीं जाती और गिरजाघर नहीं। बात यहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज विपक्ष क्या कर रहा है, इस पे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये अभी तक किसी ने सवाल नहीं पूछा कि मोदी जी ने वोट के लिए तो वहां मंदिर में हाजिरी दी, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? क्या करते हैं, महंत बन जाते हैं, नहीं मिला पुजारी बन जाते वहां है? नहीं, दो शब्द भी आज मोदी जी ने बोले या फिर किसी ने इसका जवाब दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए आपने अब तक क्या किया था? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। सारे सवाल उठा लिए कि राहुल गांधी जी मंदिर गए, कि प्रियंका गांधी गंगा जी नहाने गई, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कर रही है, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि आप वोट लेने के लिए बांग्लादेश गए थे। देखिए आपसे सवाल किए, आज आपने क्या कार्रवाई मिला रहे हैं, आज आपने क्या सवाल किए गए? आपसे तो तब भी सवाल नहीं किया गया जब कवर्धा में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, सब आमने सामने थे, हिंदुओं को जिस तरीके से उनका भगवा झंडा वहां पर निकाल के उसको अपमानित किया गया, उसके बावजूद भूपेश बघेल जो थे वो लखनऊ में एयरपोर्ट पर बैठे थे। सर देखिए, मैं आपके चैनल पर ही इस बात पर पहले भी डिबेट कर चुका हूं कि जो उपद्रवी थे, जिनके प्रति जो कार्रवाई की गई थी, जितना जल्दी कार्रवाई की गई थी वो शायद उत्तर प्रदेश में भी नहीं की गई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 5-5 दिन तक FIR दर्ज नहीं की जाती। अगर FIR दर्ज की जाती है तो रात को 12 बजे जला भी दिया जाता है। अगर वहां पर किसी भी उपद्रवियों ने कोई भी दंगा किया, उनको तुरंत पकड़ के जेल में डाला गया, उनके प्रति तुरंत कार्रवाई की गई। अब अगर कुछ उपद्रवी अगर दंगा करेंगे तो उनके प्रति कार्रवाई प्रशासन कितनी जल्दी करता है ये देखना होगा ना। अब इसमें भूपेंद्र बघेल जी वहां जाकर के उनको पकड़ के लाते क्या? प्रशासन ने उनको कितनी जल्दी पकड़ा ये देखिए ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 5-5 दिन तक नहीं हो रही, उनके किसानों को सरेआम गाड़ियों से उड़ा दिया जा रहा है, नहीं उनको सरेआम गाड़ियों से कुचल दिया जा रहा है, वहाँ FIR दर्ज नहीं हो रही, आप उस पर सवाल नहीं उठाओगे तो क्या कार्रवाई तुरंत होगी? आपके अगर आपके लॉजिक के हिसाब से समझू, आपके लॉजिक के हिसाब से समझू तो क्या योगी आदित्यनाथ जी खुद रजिस्टर लेकर उस पर FIR दर्ज करेंगे? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी प्रशासन को तो काम करना चाहिए ना। पांच दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई, उस पर बहस हो चुकी है, उस पर खूब बकिया खेड़ चुके हैं तो बीजेपी वालों की, तो वही मुद्दा है ना। आपने उसी को छत्तीसगढ़ से उठाया ना कि भूपेश बघेल जी क्यों नहीं गए वहां, उन्होंने प्रशासन को एक्टिव होने के लिए दिया, तुरंत उन पर कार्रवाई की करूंगा, लेकिन समय की कमी है यही रोकूंगा। उससे पहले संदीप दुबे का एक जवाब लेते हुए जाऊंगा। संदीप दुबे साहब, किसी भी तरह से इस स्टेटमेंट को, लॉजिक को कुछ भी किसी भी तरह से नहीं माना जा सकता। अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो प्रताड़ित हो रहे हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए कुछ करे, कुछ ठोस करे, सिर्फ बातों से नहीं, कुछ ठोस करने की जरूरत है। देखिए, भारत सरकार ने अपनी जो नाराजगी है उसको जाहिर किया, और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, कहीं भी अपवित्र विचार जो है वो हिंसा, तनाव और अपराध जैसी जो समस्त समस्याएं उसका मूल कारण है। तो कांग्रेस को चाहिए कि अपवित्र जो विचार है और इस तरह की कुंठा है, आग्रह और जो अहंकार है उसको धारण न करे, वो इस देश की मूल को, प्रकृति को समझने की कोशिश करे। हमने अपना विरोध वहां दर्शाया है, और हिंदुओं पे किसी तरह का अपराध पूरे विश्व में कहीं भी होता है नहीं होना चाहिए, और इसका हम घोर निंदा करते हैं। जो बाकी तमाम मुल्क है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जहां हमारे हिंदू भाई रहते हैं, और हमारे हिंदू भाइयों पर लगातार अत्याचार होते, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, मूर्तियों को खंडित किया जाता है, उनको नदियों में फेंक दिया जाता है, और जब उनको यहां भारत में लाने की बातचीत होती है, जब डायलॉग की कोशिश होती है, जब कानून बनाने की बात होती है, तो भारत के अंदर बैठे ही कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इसका विरोध करते हैं। लेकिन कब तक ये सब कुछ चलेगा? कब तक सरकारें इस सब चीजों को देखती रहेंगी, और कब तक विपक्ष अपनी आंखें बंद रखेगा? कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।